हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ तारिक रोड और बाहर देखें अंधेरा होने ही वाला है और मैरी जो है वो रेडी होने लगी है। अरमान को मैंने कपड़े पहना दिए हैं और ख़ुद भी जो है मैं तैयार हो गई हूँ और बस हम लोग अभी निकलने वाले हैं तारिक रोड, क्योंकि वहाँ से मुझे करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। और शॉपिंग किस लिए करनी है? शॉपिंग इसलिए करनी है कि मैं जा रही हूँ लाड़काना। ना सिर्फ मैं बल्कि मैं, अरमान और नरेश जा रहे हैं लाड़काना एक शादी पे, और उसके लिए आज मैं करने जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग। अरमान की मैंने शॉपिंग ऑलरेडी कर ली हुई थी और कुछ इसके कपड़े जो हैं इसकी जो है दादी भी लेकर आई थी अभी जब वो होकर गई हैं इसी मंथ के स्टार्ट में। और मैरी जो है वो हमारे साथ नहीं चल रही अपनी जॉब की वजह से। उसका कहना है कि मैं नहीं चल सकती क्योंकि जो है लास्ट मंथ का जो है वो एंड चल रहा है, इसीलिए मेरी जो है ना मैं नहीं चल सकती। तो तुम लोग जाओ, मैं मम्मा लोगों के साथ इधर रुक जाऊँगी। और हम लोग जा रहे हैं वेंसडे को रात 11:30 बजे। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है और फिर जो है क्या, बस जा रही हूँ और ड्रेस खरीदने। और क्या क्या खरीदती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। सभी रेडी हैं और ये देखें हम कितने गंदे हैं। खाने के बाद बर्तन नहीं यहाँ से उठाए हम लोगों ने, पड़े हुए हैं। बस कोई बात नहीं, आके उठा लेंगे। चलो, हाँ अच्छी लग रही है ये। मैरी भी तैयार हो गई। अरमान चलो, अरमान के शूज़ नहीं मिल रहे मुझे। ड्राई क्लीन के लिए लेके जा रहे हो? ये थोड़ा गंदा है यहाँ से। रफू फटा हुआ था ना यहाँ से, आपने करवा लिया था रफू, याद है? करो ठीक है। और अरमान के वो ग्रे ग्रे वाले शूज़ आप इसको रात को पहना के लेके गए थे ना, तो कहाँ है? कहाँ है? कमरे, ड्राइंग रूम में तो नहीं है यार। ड्राइंग रूम में तो कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ है, कहाँ है? अमान बेटू, आपके शूज कहाँ है? शूज गाड़ी में तो नहीं है क्या? ऊपर नहीं है, गाड़ी में ही होंगे नीचे। चल बस मैरी, पहन ले। कौन सी नहीं है? सही लग रही है, बस तैयार है। चलो जी, हम अब निकल रहे हैं और आपसे वहां जाकर मिलेंगे। आज पहली दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर में कि सर्दी शुरू हो गई है और सच में जो है वो ठंड शुरू हो गई है। और हम लोग जो है अभी निकल गए हैं और गाड़ी में हम लोग बस घर से निकले ही हैं। और नरेश जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। ये पीछे देखें, ये दोनों बैठे हुए हैं, एक ये और एक ये। शीशा नीचे करो। ठीक है, कर दिया शीशा नीचे। और अभी आपसे वहीं जाकर मिलते हैं। अब सच में वहीं जाकर मिलेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, वहाँ जाके मिलेंगे। और फिर मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ दोबारा। कर पसंद नहीं, नहीं ये कलर नहीं अच्छा लग रहा। कलर इसमें ग्रीन भी आया है। ये व्हाइट कलर भी मिल गया। शॉप में गए थे और वहाँ पर देखकर भी आए हैं, बट मैरी ने मुझे बोला और जगह पर भी देख ले कुछ और उसके बाद कहीं से लेना और पसंद करना। तो बस अभी भरते हुए आगे जा रहे हैं और देखती हूँ कि क्या लेती हूँ।
ये देखिए यहाँ पे शर्ट पीस भी बहुत प्यारे प्यारे लगे हैं, बट उस शॉप में अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे बहुत, और जो प्राइस थी वो भी बहुत अच्छी थी, इतनी बुरी प्राइस नहीं थी। और ये वाले टू पीसेस भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ये घर पे पहनने के लिए हैं बट ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बर्तन का सामान भी पड़ा हुआ, मालूम है ना उस तरफ भी जब हम आते हैं तो उस तरफ भी काफी शॉप्स होती हैं इसी तरह के ड्रेसेस की। अभी हम लोग आ गए हुए हैं डॉलमिन मॉल तारिक रोड, क्योंकि बाहर से तारिक रोड पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने मैरी को बोला चलो फिर आखिर में एक मॉल ही रहता है, मॉल चलते हैं। और फिर हम यहाँ आ गए, और अभी भी मैं यहाँ पे देख ही रही हूँ, एक्सप्लोर ही कर रही हूँ सब कुछ कि मुझे क्या लेना है। बहुत कुछ देखा है बट अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लेना है। अगर हमें वापस नीचे जाना है तो हमें उस तरफ से जाना है, सीढ़ी से चल के। ओके हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि हम लोग डॉलमिन मॉल भी आएंगे, बट हम लोग आ गए। तो हम अभी भी जो है वो तारिक रोड पे घूम रहे हैं। एक्चुअली मैंने अपनी शॉपिंग कर ली, फिर मैं यहाँ पे नरेश के कज़न रहते हैं उनके घर पर हम गए थे, और फिर अभी हम लोग वहाँ से दोबारा आए हैं क्योंकि अरमान के लिए कपड़े लेने थे। और एक मज़े की बात ये है कि जो मेरा है वेट 65 kg था, और अभी जब मैंने चेक किया है तो वो आ रहा है 62 kg, और मैं बहुत ही खुश हूँ। वाओ। ओके तो तारिक रोड से घूम फिर कर अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर कज़न्स के घर पे, और मतलब नरेश के रिलेटिव्स हैं तो अब हमारे भी हुए, तो हम वहीं पे बैठे हुए हैं। और मैरी ये है रही, और मुझे इनके बेड बहुत अच्छे लगे, ये दो बेड, ये ऊपर नीचे है और ये भी ऊपर नीचे, ऊपर और ये नीचे, और ये ऊपर और ये नीचे। तो मैं मैरी को कह रही थी अरमान थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुझे और अरमान को भी इसी तरह के इसी तरह का बेड ले देंगे ऊपर नीचे वाला। शक्ल देख लो इसकी। अभी हम लोगों के लिए बन रही है चाय, जो कि बना रही है शीतल, जो हम दिखाएंगे नहीं, जिसको हम दिखाएंगे नहीं। ठीक है तो बस अभी जो है यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और जो भी हल्का फुल्का है वो खाएंगे, उसके बाद घर को निकलेंगे। नरेश कुछ काम करवाने गए हैं गाड़ी का, और अरमान भी उनके साथ है। अरमान यहाँ पे सोया हुआ था, मैंने 3 फंक्शंस हैं लड़काना जा रहे हैं, 3 फंक्शंस हैं, नहीं पीऊँगी, 3 फंक्शंस हैं, बट मैंने जो है ड्रेस सिर्फ अभी तक 2 लिए हैं और 1 रह गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और अब जो है बस ओके गाइस, तो हमने ना वहाँ पर बहुत अच्छा खाना खाया, भाभी लोगों ने जो है हमारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया था, रोल थे, जिंजर कढ़ाई थी, और चिकन चिली ड्राई, वेजिटेबल्स, बहुत कुछ खाने में था, और जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो बिल्कुल 0 पर चला गया था और ऑफ हो गया था, बट बहुत अच्छा खाना था। और फिर वहाँ से हम लोग निकले हैं और अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। मैंने थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया और मैंने अपने व्लॉग को कंटिन्यू किया, हम घर पे पहुँच गए हैं। और आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग जो है मेरा पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता है हम लोग जा रहे हैं लाड़काना, मैं लास्ट ईयर भी गई थी लाड़काना और अभी फिर से जा रही हूँ लाड़काना शादी में ही, और किसकी शादी है, नरेश के कज़न के बेटे की शादी है, और वहाँ जाकर जो भी होगा जैसा भी होगा सब आपके साथ शेयर करूँगी, और जो है अपनी शॉपिंग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी नहीं करूँगी, वहाँ जब पहनूँगी तो ज़रूर बताती रहूँगी कि हाँ मैंने ये वाला न्यू लिया है या ये पुराना है। अभी मैंने 2 ड्रेसेस जो हैं वो न्यू ले लिए हैं, 3 फंक्शन हैं, 1 नहीं लिया है, तो 1 मैं पुराना ही चलाऊँगी, तो सब आपके साथ शेयर करेंगे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और
दुआ कीजिए कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा अच्छा गुजर जाए और हम सही सलामत जब यहाँ से निकलें घर से और वहाँ पर अच्छे से सही तरीके से पहुँच जाएँ। और आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं प्रेयर्स की रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे लिए प्रे भी कीजिएगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।